डॉलर की तुलना में रुपया अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है। शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार रुपए में 26 पैसे की गिरावट के साथ खुले और एक डॉलर की कीमत 71 रुपए हो गई। भारतीय मुद्रा रुपए की 2018 में उभरते बाजार की मुद्रा सबसे बुरी हालत दिख रही है। यहां तक कि एशिया प्रशांत में भी इसकी हालत पतली हो गई है। वहीं पीएम मोदी खामोश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रुपए में गिरावट को लेकर अपने पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह पर हमलावर रहे हैं। मोदी ने 2014 के आम चुनाव में इसे चुनावी मुद्दा बनाया था। 2013 में जब रुपए में गिरावट आई थी तो मोदी ने कहा था कि कांग्रेस ने भारतीय मुद्रा को आईसीयू में पहुंचा दिया है। हालांकि अब जब मोदी पीएम है तो रुपए की गिरावट पर खामोश रहते हैं।